आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, संयमपूर्ण जीवन का मतलब है स्वस्थ, व्यवस्थित और संतुलित जीवन शैली। संयम की आराधना ही जीवन की श्रेष्ठ साधना है। आध्यात्म की साधना के लिए संयम अनिवार्य है। दुर्गति से बचने के लिए छोटे छोटे संयम नियम धारण करने चाहिए। ब्रह्म बाहरी कार्य संयमित ढंग से करते हैं तो उसी तरह संयम हमारे अंतरंग में भी होना चाहिए। दैनिक जीवन के हर कार्य में विवेक हो, होश से किया जाए, यही संयम धर्म है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाकर इंद्रियों को अपने वश में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, वृक्ष की कलह से कौन बचा सकता है। ए धन व रुतबा, ऐप शब्द वाणी का संयम, फास्ट व अनिवार्य चर्चा, नशीले पदार्थ, रमेश की तरफ से वाणी का संयम, मनोविज्ञान संयम की परीक्षा विपरीत स्थितियों में है तभी मिलती है सिद्धि। हरे हरे। एक किस्सा है, महात्मा गांधी साबरम तीर्थ में थे। उनके पास बहुत से समाज सेवी शाम के वक्त आते थे। एक बार उनमें से एक ने कहा, बापू कोई आपको गाली दे तो आप क्या करेंगे। गांधी जी ने उससे पूछा, गाय बकरी आदि घास खाती हैं और हमें क्या देती हैं। समाज से उन्हें जवाब दिया, दूध। उसने कहा, मैं भी गाली सुनकर भी सुवचन ही बोलूँगा, दुवचन नहीं। संदेश सिर्फ इतना है कि हम जाएं चाहें आदमी से सीख ले, लेकिन पशुओं से भी सीख जरूर लेनी चाहिए। विपरीत प्रश्नों में अपने मन के संयम की परीक्षा लेनी ही चाहिए, तभी संयम सिद्ध होता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, संगीत के साथ साथ काम पर फोकस बनता है, बेहतर ध्यान लगता है और याददाश्त भी बेहतर होती है। संगीत के मदद से आप ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं और तेज़ी से तनाव दूर कर पाते हैं। संगीत ऐसा माहौल बना देता है जिसमें पुनर्निर्माण का आभास होता है। संगीत से आप अपनी दिमागी तरंगों को बदल सकते हैं और आवाज़ पहचान सकते हैं। बड़े सपनों से सावधान रहो, जो सामने है उसे गर्व से पूरा करो। हत्या न करना, बार बल मेक यू। आपको गरीबी के डर से अपने अच्छों की जान नहीं लेनी चाहिए, बच्चों की जान नहीं लेनी चाहिए। आपके और आपके बच्चों की देखभाल का इंतज़ाम हमने कर दिया है। बच्चों को मार डालना महापाप है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दुए पट भीतर आर के साबित गया न कोई। दे दे दोस्त निकसे आप गया, जो मैं आया मैं शुक्रोदस ने आया। जब आप गलत चीज़ों का पीछा बंद कर देते हैं तो अच्छी चीज़ों का पाले का मौका मिलता है, पाने का मौका मिलता है। उत्तम ब्रह्मचर्य, ये धर्म आत्मा का श्रृंगार है। इसे धारण कर सदाचार की ओर बढ़ें, इससे ही कल्याण होगा। इच्छाओं और बंधनों से मुक्त कर प्रेम बढ़ाता है। उस चरण अंगतीत प्रेम का पाठ पढ़ाता है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। मनोविज्ञान या इच्छा का समाज में अनुशासन घटाती है, हिंसा बढ़ाती है। कानून से ज़्यादा खुद को ऊपर मानने वाले जमानत के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं मोदी। हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।